डियर स्टूडेंट, मैंने तो भारत सरकार के कल्याण विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय को मेल कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आफ्टर कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद एक सही निर्णय नहीं है, और इसके लिए मैंने उनको सुझाव दिया है कि यदि आपको क्वालिफिकेशन जांचनी है, योग्यता जांचनी है, तो आप जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम होता है उस तरह से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए सभी फार्मासिस्ट के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा और बैचलर में, और उसके आधार पर एडमिशन हो, और ये ना हो कि कोई कोर्स 2 साल का कंप्लीट कर ले और उसके बाद उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़े। तो इस तरह से मैंने जो है ईमेल भेजा जो भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग है, चूंकि उन्होंने जो ईमेल आईडी दिया था सुझाव भेजने के लिए उसमें बार बार बाउंस हो जा रहा है, तो मैंने जो है जिनके द्वारा ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया था उन्हीं को मैंने डायरेक्टरी से ईमेल आईडी सर्च करके अपना सुझाव भेज दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं कि आप भी जो आपके मन में सुझाव हो, जरूरी नहीं कि मेरे सुझाव ही आपको पसंद आए, आप अपना सुझाव न्यू फार्मेसी जो एक्ट है, न्यू फार्मेसी कमीशन का जो बिल है उस पे वो जो लागू होने वाला है, तो वो उसके लिए जो सुझाव मांगे गए हैं 1 महीने के अंदर, तो उसमें आप अपना सुझाव जरूर दें। और सिर्फ ये एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड भी नहीं, आपके मन में जो भी सुझाव देना चाहें, चाहे वो फार्मेसी प्रैक्टिस को लेकर के हो या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे सुझाव जो फार्मेसी के फील्ड में अच्छा कर सके, वैसे सुझाव आप दे सकते हैं, और उसके लिए आप अपने अनुसार ही अपने सुझाव को आप ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और अपनी बात को आप जरूर रखिए, क्योंकि आप ही के बात के अनुसार सरकार जो है वो नया फार्मेसी का जो कमीशन बिल है, फार्मेसी एक्ट 2023, वो लाएगी, और आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए ही उसमें अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो सरकार जरूर करेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।